आईपीएल 2023 के 16वें सीजन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीसीसीआई 23 दिसंबर को कोच्चि में आईपीएल के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें शामिल होने वाले 991 खिलाड़ियों की लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। लेकिन इन सबके बीच इस सीजन में एक नया नियम आने जा रहा है, जिससे आईपीएल का रोमांच और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसका नाम है इम्पैक्ट प्लेयर रूल। अब सवाल बनता है कि आखिर यह नियम है क्या और इसका मैच में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, तो चलिए जानते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखा होगा कि मैदान में मैच के पहले टॉस के समय दोनों कप्तानों के पास अपनी अपनी टीम की प्लेइंग 11 की लिस्ट होती है, जिसके बारे में जानकारी देनी होती है। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर रूल के लागू होने के बाद दोनों टीमों के कप्तानों को 11 की जगह 15 खिलाड़ियों की लिस्ट देनी होगी, जिसमें 11 खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, जबकि 4 खिलाड़ी इम्पैक्ट प्लेयर के लिए रहेंगे। इन 4 में से किसी एक खिलाड़ी को मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किया जा सकता है, जो टीम के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सकेगा। लेकिन इसको लेकर कुछ शर्तें भी हैं, जैसे किसी मैच की पारी में 14 ओवर से पहले इम्पैक्ट प्लेयर रूल का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी उन 4 खिलाड़ियों में से किसी एक प्लेयर को मैच में शामिल किया जा सकता है, लेकिन 10 ओवर से कम की स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। इसके लिए कम से कम 11 ओवर का खेल होना जरूरी है। इस नियम को बीसीसीआई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लागू कर चुका है, जिसमें ऋतिक शौकीन इम्पैक्ट प्लेयर बनने वाले पहले खिलाड़ी थे। हालांकि आईपीएल में इस नियम के लागू करने को लेकर अभी तक बीसीसीआई द्वारा ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन अगर यह रूल आता है तो देखना होगा कि इससे आईपीएल का रोमांच कितना ज़्यादा बढ़ता है। दोस्तों, आपको ये नियम कैसा लग रहा है अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।